लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्षेत्र पंचायत सदस्य की मत भाजपा समर्थक प्रत्याशी ने लगाई 150,000 और एक मोबाइल। अभी वायरल वीडियो में सदर विधायक जय मंगल कनौजिया द्वारा पर लोभों के वादे का वीडियो सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि मिठौरा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख रामहर्ष को वोट करने पर 5 साल के काम और सुरक्षा की गारंटी मेरी है। हेलो विधायक जी नमस्कार, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज से। हाँ प्रणाम भैया, बताइए भैया कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है सब बढ़िया, आशीर्वाद है। अच्छा विधायक जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमाम जीते हुए प्रत्याशी हैं बीडीसी के, जिसमें आप कह रहे हैं आप हाँ। लोग घबराइए मत, आप लोग की सारी व्यवस्था की जाएगी। कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सुरक्षा की व्यवस्था उनकी होगी, कहीं कोई उनको धमका न पावे, कोई उनको परेशान न करने पावे। अच्छा निश्चिंत होकर वोट डाले वो। तो इतनी बड़ी संख्या में कहाँ लेकर घूम रहे हैं आप उन लोगों को विधायक जी? हम महाराजगंज में है भैया, वो हमसे मिलने आए थे लोग हमारे आवास पे। अच्छा और वीडियो वायरल हो रहा है कि रूम में जो है एकदम जाम छलका के डांस चल रहा है। उतना वाला रूम है जो रूम का दिखा रहे भैया, वो उतना वाला मेरे पास रूम नहीं है, कहाँ पे भूत रूम। तो वो वीडियो देखा है कि नहीं विधायक जी? देखे। तो ये किसके स्वजन से जाम छलक रहा है? अब ये हम नहीं बता पाएंगे भैया, किसी कोई कर सकता उस पर हम क्या बता पाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे है। नहीं तो आपका जो उन लोग से मिलने का विजन था वो क्या था? था कि आपके पास राम हरक जिंदाबाद। तो मैं निकल रहा था लखनऊ से महाराज इनके लिए। अच्छा तो दारुल सफा के गेट में उन लोग हमसे मिले। अच्छा लखनऊ चले गए ये लोग? तो क्या विधायक जी नहीं बता पाएंगे भैया किसके माध्यम से गए, कहाँ गए कुछ नहीं जानते भैया। अच्छा और ये राम हरक जी आपके कैंडिडेट हैं क्या? नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। अच्छा ठीक विधायक जी, ठीक भैया। तो ये पत्रकार बंधुओं द्वारा वर्तमान बीडीसी के तलाशों में गांव का भ्रमण कर जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पत्रकार टीम मिठौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत और हटार में पहुंची तो वहां से निर्वाचित 2 बीडीसी सदस्य लगभग 7 दिनों से किसी भट्टा वाले प्रत्याशी के साथ गए हुए हैं। बताया गया कि जो पीटर नामक बीडीसी के घर पहुंचे पर उनकी माँ और एक बेटे मिले। पत्रकारों की काफी कुदेनने के बाद उन्होंने बताया कि भट्टा वाले प्रत्याशी के साथ 7 दिन पहले गया है। भट्टा वाले प्रत्याशी के विषय में बात करने पर इकट्ठा हुए लोगों में से किसी ने बताया कि भाजपा समर्थक प्रत्याशी राम हर गुप्ता ही भट्टा वाले प्रत्याशी है। नमस्कार। कही रहे हैं भाई साहब की एक वीडियो कल वायरल हो रही है आपके चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, तो उसमें बीडीसी की के पत्नियों का आरोप है कि 1,30,000 रुपया दे करके आप उनको उठा के ले गए हैं, इसमें आपका क्या क्या बयान है? हाँ हाँ, लेकिन उन सबों का आरोप है कि 1,30,000 रुपया जो है आप अब तक दे चुके हैं और बाकी 1.5 लाख रुपए और एक मोबाइल पे बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, और बढ़िया है। हाँ इधर व्यस्तता है सब, कहाँ समय मिल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं आते हैं घर घूमते। तो उसी ग्राम सभा के दूसरे प्रत्याशी मणिंदर वर्मा के वहां पहुंचने पर उनकी भाई तो उनसे अलग रहते हैं और उनकी पत्नी मिली भाई पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए, लेकिन पत्नी ने काफी कुदेनने पर बताया कि लगभग 6 से 7 दिन पहले मणिंदर जी रामहर गुप्ता भट्टा वाले के साथ लखनऊ गए हुए हैं, अब लखनऊ से आगे बढ़ गए हैं नैनीताल के लिए। उनकी पत्नी बताती है कि मुफ्त यात्रा के साथ एक मोबाइल और 1,50,000 रुपए का वादा किया गया है, जिसमें से 1,30,000 रुपए हमें मिल गया है, बाकी रुपए मिलना बाकी है। कैमरे में कैद बयान ब्लॉक प्रमुख चुनाव को कलंकित करने के लिए पर्याप्त है, ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त निरपक्ष चुनाव की कल्पना बेमानी है। बस 10,000 और पैसा मिल गई और पैसा मिल गया है, कितना मिल गया है हमके? मिल गए
1,30,000। अच्छा 1,30,000 मिल गया तो मोबाइल मिला 1,30,000 बस इतना ही मिला है, और भी बोले हैं ना लोग देने के लिए? मालूम नहीं वोट पड़ी मालूम। अच्छा जब वोट डाल देंगे तब बाकी पैसा मिलेगा? अभी देखो का करन कहता ना कि हम 1.5 लाख रुपया। उस साइड में तो ज्यादा रेट चल रहा है, 5-5 लाख रुपया लोग दे रहे हैं। अच्छा 1.5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे? राम हरक जो चुनाव लड़ रहे हैं ब्लॉक प्रमुख ही का, तो 1,30,000 दे दिए हैं। 10,000 रुपया कल दिए थे सब लेके भोइलवा? अच्छा 10,000 रुपया मतलब कल दिए थे? आपको दिए थे? वो खुद ही ला के दिए? तो लेकिन पैसा एक कम है ना? पैसा कम है ना, क्योंकि चुनाव लड़े होंगे तो खर्चा तो ज्यादा कर दिए होंगे। खर्चा कितना खर्चा हो गया था? घर का हम नहीं मालिक, मालिक साहब। हाँ फिर भी चप्पल बांटे थे। क्या क्या बांटे थे? चप्पल बांटे, चुनाव चिन्ह चप्पल ही था क्या? दुकान है बोल रहे थे कि हमको एक चप्पल दीजिए, जो जैसे मांगे वैसे दीजिए। अच्छा मतलब खर्चा किए हैं? खर्चा ढेर हुआ, खर्चा ज्यादा हुआ है ना। आज सिर्फ 1,30,000 रुपया मिला है, तो अभी बोले होंगे ना कि जब वोट पड़ेगा उस दिन देंगे? 1.5 लाख दे। तो किसको देना है वोट इस बार? हम के ही नहीं दे, राम हरक के। तो यही लोग लेके भी गए हैं ना घुमाने के लिए? अच्छा अच्छा, लेकिन आपका एक शिकायत है कि पैसा कम मिल रहा है। आपका नाम वो कहा? अच्छा आपका नाम क्या बाबू? आप लड़के हैं ना? आपका नाम क्या है? सन्नी। सन्नी कौन सा ग्राम सभा भाई साहब? गाँव का नाम क्या है? ग्राम सभा का नाम आवरा। अच्छा आवरा टार। ये राम हरक जी भी यही गांव के रहने वाले हैं क्या? मैंने वोट जो है उन्हीं को देना है। अच्छा 1,30,000 मिल गया, बाकी जो है बोले हैं चुनाव के दिन। ठीक भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा पटेल जी, आपके यहाँ के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया डांस कर रहे हैं दबा के, एंजॉय कर रहे हैं ना? तो आप लोग क्या सोच कर वोट दिए थे? ये एंजॉय करने के लिए वोट दिए थे? अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा तो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, उन्होंने एंजॉय चालू हो गया। तो ये अच्छा काम है क्या? अभी तो वो लोग लखनऊ गए हैं, गोवा तक जाने का। अच्छा किस लिए गए हैं? इंजॉय खूब कर रहे हैं। गांव की चिंता है कि नहीं? लगता है जीरो है। जीरो है ना? क्या कर रहे हैं उस वीडियो में? वीडियो में डांस डांस कर रहे हैं, पार्टी जान छलका रहे हैं। चल आप इसी काम से बात करिए। ठीक।